हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ इस रूम में, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ क्योंकि अभी आदित्य की टीचर आने वाली हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। यहीं बैठ के वो अपनी पढ़ाई करते हैं और अभी शाम का टाइम है। मैं चाय वाय सब बना के आराम से बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। देखो तो फ्रेंड्स, आज मैं अब शाम को क्या क्या करूँगी उसका रूटीन आपको दिखाऊँगी और आप लोग पूरे रूटीन को मेरे देखना कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और आज मैं एक डिश भी बनाना बताऊँगी अपने ब्लॉग में, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आराम से पूरा वीडियो देखना। वो रेसिपी बहुत ही आसान है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, चाहे उसको लड़के बनाएं चाहे लड़कियां। बहुत ही आसान वो डिश है बच्चों के लिए, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना। तो कौन मेरा वीडियो देख रहा है कौन नहीं मुझे नहीं पता चलता, तो जो लोग कमेंट करते हैं तो उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा वीडियो देखा है। बट मैं अपना काम करती जाती हूँ वीडियो बनाती जाती हूँ, और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो आप लोग वीडियो को देखिए कि शाम को क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है अभी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चलती हूँ किचन की ओर और आप देखना कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, प्लीज़ देखना जरूर। ओके तो शाम को बच्चों को जो छोटी छोटी भूखें लगती हैं कि मम्मी दो कुछ खाने के लिए, तो उसके लिए ये मैं बना रही हूँ दही के सैंडविच। ये 10 रुपये वाला छोटा सा पैक है ब्रेड का, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये है ओरिगैनो उसका पैकेट है, और ये है रसना का छोटा सा पैकेट, और ये 10 रुपये वाला नमस्ते इंडिया का दही का पैकेट, और ये रहा दही। और ये मैंने कुछ प्याज काट लिए हैं, और ये हरी मिर्ची, थोड़े से टमाटर कट कर लिए हैं। ये मिर्ची ये वाली है, ये जो मोटी मोटी मिर्ची होती है इसमें मिर्ची कम होती है, वो जो हरी मिर्ची होती है वो बहुत तीखी होती है, वो बच्चों को लग जाएगी, तो इसलिए आप लोग भी अगर ट्राई करना तो आप लोग भी मोटी मिर्चा का यूज़ करना। पतली वाली मिर्ची बहुत ही तेज होती है, वो बच्चों को लग जाती है। चिली फ्लेक्स तो आप जानते ही होंगे, जब हम लोग पिज्ज़ा मंगाते हैं तो एक छोटा सा पाउच मिलता है चिली फ्लेक्स का, टेस्टी हो जाता है इससे, हम लोग कुछ भी बनाते हैं इससे बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ, और जब पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये बहुत ही चटपट बनने वाली रेसिपी है, तो जो बच्चे वक्त पे वक्त बोल पड़ते हैं मुझे भूख लगी है, उसके लिए रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जो सामान अभी आपको दिखाया था वो सब मैंने इस दही में मिक्स कर दिया है, और ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसमें मैंने ये रसना का जलजीरा था, थोड़ी काली मिर्च, ये काली मिर्च डाल दी थी, और ये जो पैकेट में सामान था वो सब इसमें डाल दिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च ओरिगैनो चिली फ्लेक्स रसना का जलजीरा काली मिर्च सब डाल के अच्छे से इसको ऐसे ऐसे चला दिया, और ये ऐसा थिक सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे सेकूंगी। अब फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग ये पेस्ट लेके और ब्रेड पे चूल्हे में फैला देंगे, और एक और पीस लेके इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत सही। और अब इसको ऐसे तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे रख देंगे, और करछली से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं, तवा जिससे अच्छे से गर्म हो जाए। और फिर इसे थोड़ा सा रेड रेड जब सिक जाएगा तो इसे ऐसे पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिक के कुछ ऐसा हो गया है, और इसे सॉस के साथ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने एक भूखे बच्चे को सैंडविच पकड़ा दी है, और अब ये सैंडविच खाने के लिए बहुत लालायित है और जल्दी से शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं कैसे बच्चों को बहुत भूख लगाई है और वो तेज़ी से खाना शुरू हो गए हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये कितनी तेज़ी से खाया जा रहा है, और अभी और मैं सेक रही हूँ वो भी खाएंगे। फ्रेंड्स, सैंडविच मेरे सिक चुके, और इधर मैं आई हूँ आदित्य के पास, देखती हूँ यहाँ आदित्य क्या कर रहे हैं।
ओ आदित्य यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहे हैं। ट्यूशन वाली मैम ने इनको आज ड्राइंग का काम दिया है, तो ये अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। और ठीक है, मैं उधर जाती हूँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही हैं, देखती हूँ वो क्या कह रही हैं, उनकी भी सुन लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ पूछने कि सासू माँ क्यों बुला रही थी। तो उन्होंने ये बताया है कि वो गोभी आलू की सब्ज़ी खाना चाहती हैं, तो मैं वही काट रही थी बाय चांस। और वो टीवी देख रही हैं, दंगल चैनल पर एक आता है महुआ सीरियल, वो रोज़ वही देखती हैं। ये दोनों बैठे हैं, गौरी और सासू माँ। तो चलिए मैं तैयारी करती हूँ अपनी, गोभी आलू को पूरा काट लूँ फिर बनाऊँगी। वो टेबल पर गोभी आलू काटने के लिए रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, गोभी आलू मैंने कट कर लिए हैं और यही सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी, और साथ में सेक लूँगी पराठे। मीठी चटनी पहले से बनी हुई रखी है, तो पराठे के साथ गोभी बहुत टेस्टी लगती है, सूखी गोभी बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा पराठा सब्जी तैयार हो गया है, या आलू गोभी की सब्जी। अभी बहुत गर्म है, भाप भी निकल रही है, ये मीठी चटनी और पराठा। आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया है, तो अब मैं परोसने जा रही हूँ सबको।